अस्सलामुअलैकुम। बुनेर वैली के ब्लॉग का सिलसिला जारी है। भाई खेले से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर पीर बाबा का मज़ार है। इस जगह को बाचा खेल कहते हैं। यहाँ पेशावर से तकरीबन 3 घंटे की मसाफत है और इस्लामाबाद से तकरीबन 4 घंटे की मसाफत है। ये मज़ार से पहले एक ट्रेडिशनल बाज़ार है जो यहाँ के कल्चर और सकाफत की नुमाइंदगी करता है। ये आपके कबाब हैं? सिर्फ खास कबाब हैं? अच्छा कबाब। हाँ, किस तरह किलो देते हैं? 800 रुपये। तो बीच में अंडा शंडा हर चीज़ मिक्स है? अंडा भी है। आपका क्या नाम है? नाम हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान। तो किस तरह पाव देते हैं? 200 रुपये। हैं? 200 रुपये। 200 रुपये पाव। चले ड्राई फ्रूट की दुकान है जी। क्या हाल है जी? क्या नाम है आपका जी? शाफा खान। शाफा खान, वेरी गुड। माशाल्लाह जी, आपका यहाँ का कोई ख़ास आइटम भी है जो आप ये लोकली जो है ना जी ड्राई फ्रूट में आता हो? लोकली कोई है? लोकली अखरोट होता है आपका? अच्छा अच्छा अच्छा। वो किस तरह किलो है? ये 750। अच्छा अच्छा, ये यहीं का होता है? जी। बहुत खूबसूरत है जी, बहुत अच्छी है। ये छोटी छोटी ट्रेडिशनल दुकानें हैं जी। ये मोहतरम सोनम दे बना सोनम दे फरीदुल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, बस थैंक यू। तो ये देखें जी, यहाँ जो मज़ार पे आते हैं ना, तो बच्चों के लिए मुख्तलिफ वो चीज़ें लेते हैं। तो ये छोटी छोटी जो है ना शॉप्स बनी हुई हैं, जिस पे जो है ना जी आप यहाँ से आते हैं जब देर में हो। हाँ, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। और उर्स की तकरीब कब होती है? उर्स कब होता है? उर्स का, हाँ, वो रमज़ान से एक महीना, रमज़ान से पहले होता है इधर ही। अच्छा। और बहुत बड़ा बड़ा रश है। हाँ। और तकरीबन 7 जिलों से लोग आते हैं ना। अच्छा। इधर ही। और बहुत धूमधाम से उर्स होता है। कितने दिन की तकरीबात होती है? तकरीबन 3 दिन की तकरीबात होती है। इसको 2 बैंस दबा करती है। अच्छा। और 20-25 देगें पकाती है। अच्छा। सब लोग खाना खाते हैं, कवाली करता है। वाह वाह। फिर दोबारा खुशी खुशी से 3 दिन बाद चला जाता है। ये हमारे बाबा जी ने ना जी पूरी वो हिस्ट्री भी बताई है और साथ साथ जो है ना जी मज़ार का जो है ना जी वो भी बताया है कि किस तरह उर्स होता है, कितने दिन होता है। तो बड़ा शुक्रिया जी आपका। थैंक यू। हाँ जी सोनम ने मना, ये छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है। इन्होंने बड़े खूबसूरत जो है ना जी चीज़ें रखी हुई हैं, तो ताकि जो है ना जी लोग जो आएँ मज़ारात पे गिफ्ट लेके जाएं लोगों के लिए। हाँ जी, यहाँ से निशानी के तौर पे लेके जाएं। और ख़ास तौर पे औरतों के लिए बहुत अच्छी ये चूड़ियाँ भी हैं, तो कंगन बने हुए हैं, पर्स भी हैं। तो इस तरह करके जो है ना जी बहुत सारी चीज़ें हैं लेडीज़ के लिए। देखिए कितने खूबसूरत परस हैं। अब हम मज़ार शरीफ के आते में दाखिल हो रहे हैं। पीर बाबा का असल नाम सैयद अली तिरमजी। आप नकवी सैयद हैं। आप अफगानिस्तान में 1502 में पैदा हुए। 35 वास्तों से आपका शजरा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सलामुल्लाह से मिलता है। आपका इंतकाल 1583 में हुआ। इब्तदाई तालीम आपने अपने दादा से हासिल की। आपके वालिद हमायूं की फ़ौज में मुलाजमत करते थे। आप अपने वालिद के साथ अफगानिस्तान से दिल्ली आ गए। वहाँ से अजमेर शरीफ में सालार रूमी रहमतुल्लाह के हाथ पर
बैत की और खिलाफत मिली। आपको कोहिस्तान यानी बुनेर जाने का हुक्म हुआ। आपने अपनी ज़िंदगी दीन की तबलीग के लिए वक्फ की। इस ज़माने में झूठे पीर और झूठे नबूवत के दावादार पैदा हुए जिनका आपने मुकाबला किया, जिसमें यूसुफ़ज़ई कबीले ने आपका भरपूर साथ दिया। आप अपने वक्त के बुलंद मर्तबा औलिया थे। आपके पोते सैयद अकबर बाचा सवात के वाली रहे। उन्होंने अंग्रेज़ों और सिखों से तवील जंगें की। बुनेर वैली के व्लॉग का सिलसिला जारी है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।